नमस्कार दोस्तों, टेक स्कैन के एक बिल्कुल नए फ्रेश और एक्साइटिंग एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं BSNL यानी भारत संचार निगम लिमिटेड कंपनी के बारे में बताऊंगा, क्योंकि BSNL कंपनी की तरफ से उनका सबसे पॉपुलर प्लान जिसका प्राइस पॉइंट है 485 रुपये, इस प्लान के अंदर कुछ अजीब से यहाँ पर चेंज किया है, जहाँ पर वैलिडिटी को कम कर दिया गया है, बेनिफिट्स को बढ़ा दिया गया है। मतलब ये जो पर्टिकुलर प्लान के साथ इस प्लान को मैं किस तरीके से एक्सप्लेन करूँ समझ नहीं आ रहा है। क्या मैं कहूँ कि यहाँ पर प्राइस हाइक हो चुका है या प्राइस डाउन हो चुका है, बेनिफिट्स बढ़ा दिया गया है? आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और मैं आपको पूरा डिटेल्स में बताऊंगा कि BSNL कंपनी की तरफ से जो 485 रुपये वाला प्लान है इसके अंदर क्या कुछ चेंजेस यहाँ पर किया गया है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पर्टिकुलरली अगर मैं BSNL यानी भारत संचार निगम लिमिटेड कंपनी की बात करता हूँ, तो भारत के अंदर सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL बहुत ही ज़बरदस्त प्लान यहाँ पर प्रोवाइड करता है। अगर मैं सेम प्राइस पॉइंट के अंदर प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज की बात करता हूँ, तो उससे डबल से भी ज़्यादा बेनिफिट्स BSNL यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। हालांकि BSNL कंपनी की तरफ से बहुत सारे प्लान हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं 485 रुपये वाले प्लान के बारे में बताऊंगा जो BSNL कंपनी की तरफ से प्रोवाइड किया जाए। मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ। देखिए, BSNL कंपनी की तरफ से 485 रुपये वाले प्लान के साथ पहले जो बेनिफिट्स आपको मिलता था, वो मिलता था आपको 82 डेज का वैलिडिटी। 82 डेज तक डेली आपको 1.5 GB करके डेटा दिया जा रहा था विद अनलिमिटेड कॉल, दिन में 100 SMS। दोस्तों, पहले अगर हिसाब करके मैं बताऊं तो यहाँ पर टोटल आपको 123 GB डेटा प्रोवाइड किया जाता। मतलब 485 रुपये के अंदर आपको यहाँ पर 82 डेज के लिए डेली 1.5 GB डेटा प्रोवाइड किया जा रहा है। मतलब आप एक बार सोच के देखिए कि यहाँ पर आपको टोटल 123 GB डेटा मिल रहा है, लेकिन अभी के टाइम के अंदर यहाँ पर वैलिडिटी को जो है वो 2 दिन कम कर दिया गया। मतलब पहले जहाँ पर आपको 82 डेज का वैलिडिटी मिल रहा था, अभी के के अंदर आपको 80 डेज का वैलिडिटी मिल रहा है। तो आप ये सोचेंगे कि भाई डेफिनेटली यहाँ पर 2 दिन का वैलिडिटी कम कर दिया गया है। मतलब अगर मैं डेली कॉस्ट की बात करता हूँ तो वो तो यहाँ पर बढ़ गया है, डेफिनेटली ये बढ़ गया है। लेकिन BSNL कंपनी जहाँ पर इस पर्टिकुलर प्लान के साथ पहले आपको डेली 1.5 GB करके डेटा दिया जा रहा था, अभी के टाइम के अंदर आपको दिया जा रहा है डेली 2 GB करके डेटा। मतलब एक बार आप सोच के देखिए, पहले जहाँ पर आपको टोटल 123 GB डेटा आपको प्रोवाइड किया जा रहा था, अभी के टाइम के अंदर ये पर्टिकुलर प्लान के साथ टोटल आपको मिलेंगे 160 GB डेटा। मतलब अगर मैं टोटल डेटा कॉस्ट की बात करता हूँ, वो काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है, 123 से 160 हो चुका है, मतलब वो बढ़ चुका है। लेकिन अगर मैं वैलिडिटी की बात करता हूँ तो 2 दिन कम हो चुका है, लेकिन बाकी जो बेनिफिट्स है एकदम सेम प्रोवाइड किया जा रहा है अगर मैं 485 रुपये वाले प्लान की बात करता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर आपने देखा भारत के अंदर सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL जो अभी के डेट के अंदर भारत के अंदर ऑलरेडी 35,000 4G मोबाइल टावर्स को इंस्टॉल कर चुका है और नेक्स्ट ईयर के अंदर 1,00,000 तक मोबाइल टावर्स को यहाँ पर इंस्टॉल करने की मतलब तैयारी यहाँ पर कर रहा है। तो उस जगह के अंदर BSNL कंपनी की तरफ से ये पर्टिकुलर प्लान कस्टमर्स को डेफिनेटली काफ़ी मदद करेंगे आने वाले टाइम के अंदर एक बहुत ही ज़बरदस्त पोजिशन के ऊपर जाने के लिए। और ये आशा किया जा रहा है कि BSNL 2026 फाइनेंशियल ईयर तक एक प्रॉफिटेबल कंपनी के ऊपर कन्वर्ट हो पाएंगे। उसी के साथ साथ जो कस्टमर्स है उन्हें रिटेन करने के लिए कस्टमर का जो सेटिस्फेक्शन है उसके ऊपर ध्यान देने के लिए बोला गया हमारे टेलीकॉम मिनिस्टर जितेंद्र सिंधिया की तरफ से। अभी देखते हैं क्या BSNL ये सारे काम कर पाते हैं या नहीं कर पाते। आपको क्या लगते हैं, क्या आने वाले टाइम के अंदर BSNL भारत के मार्केट को फिर से कैप्चर कर पाएंगे? आपका ऑनेस्ट ओपिनियन आप कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके बता सकते हैं। यही सारा अपडेट्स हमारे पास निकल कर आता, छोटा सा वीडियो बनाकर आपको बता दिया। अगर वीडियो पसंद आया, कुछ नई जानकारी मिला, तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लाइक उनको दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो डेली बेसिस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर। आपसे उठ सकूंगा तो ऐसे कोई नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा।